हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक पार्टी पे। दोस्तों, अगर आप ओप्पो का मोबाइल यूज करते हैं और अगर आपके ओप्पो के मोबाइल में नया अपडेट वर्जन आ गया है तो आप उसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, जैसे अभी मेरे मोबाइल में वो ये नया वर्जन आ गया है CPH 1909 PS_11_A.39। ये नया वर्जन आ गया है अपडेट के लिए, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। सेटिंग में चला जाता हूँ और उसके बाद मैं इसमें क्लिक करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हुआ आता हूँ और इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो इसमें डिटेक्टिंग के लिए आ रहा है और उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ तो जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये 118 MB का सॉफ्टवेयर है। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। और इंस्टॉल होने पे क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा मोबाइल है ये रीस्टार्ट हो जाएगा और ये जो हमारा नया वर्जन है ये कंप्लीटली अपडेट हो जाएगा हमारे इस मोबाइल में। तो ये 30% यानी 30 MB हो गया है डाउनलोड, जल्दी हमारे कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट डाउनलोड हो गया है और स्पीड आप देख सकते हो, राइट में स्पीड भी दिखा रहा है कितनी स्पीड आ रही है हमारे नेट की, 1.1 KBPS ये सब आ रहा है। तो ये हमारा 115 MB डाउनलोड हो गया है, 116 और 18। तो हमारे कंप्लीट डाउनलोड हो गया है। अब हम अपडेट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। अपडेट नाउ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं करेंगे तो जो हमारा मोबाइल है ये रिस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारे मोबाइल में नया अपडेट इंस्टॉल हो गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाते हैं और उसके बाद हम दोबारा से स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करते हैं तो अभी ये थोड़ा लोडिंग में टाइम लगा रहा है, प्रोसेस हो रहा है अभी। अभी ये डिटेक्टिंग आ गया है इसमें। तो अब इसमें आप दोस्तों देख सकते हो, तो इसमें हमारा जो नया वर्जन है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम फीचर्स पे क्लिक करते हैं। फीचर्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं इसमें पूरी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। तो ये जुलाई 2020 में आया है, सिक्योरिटी पैच टू एनहांस सिस्टम सिक्योरिटी। तो ये सिस्टम सिक्योरिटी का अपडेट आया हुआ है। तो अब हम इसमें बैक आते हैं और अबाउट फोन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें सब कुछ डिटेल्स आपको दिख जाएगी। तो ये एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 जुलाई 2020 वाला जो अपडेट है वो इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने ओप्पो के मोबाइल में नए अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।